हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका एक नए वीडियो में, जहां पर हम लोग आज सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस और कंपाउंड सेंटेंस को जानने वाले हैं, इनके डेफिनेशन और ये क्या होते हैं। इनको समझने से पहले एक बार हम और रिवाइज कर लें, इंडिपेंडेंट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज को। जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था कि क्लॉज यानी होता है उपवाक्य, जो कि एक सेंटेंस का भाग होता है जिसमें एक सब्जेक्ट और एक वर्ब होती है और अपना एक मीनिंग होता है। अगर हम इंडिपेंडेंट क्लॉज की बात बोलेंगे तो इसको हम कह सकते हैं स्वतंत्र उपवाक्य, मतलब ये अपने आप में स्वतंत्र होता है, इसमें एक सब्जेक्ट होगी, वर्ब होगी और क्या होगा, इसका कंप्लीट मीनिंग भी होगा। जैसे कि मैंने कहा शी रीड्स न्यूज़पेपर, अब यहाँ पर देखिए एक सब्जेक्ट है, एक वर्ब है और ऑब्जेक्ट भी है यहाँ तो खैर, और इसका मतलब हो रहा है वह न्यूज़पेपर पढ़ रही है। ये सेंटेंस अपने आप में आत्मनिर्भर सेंटेंस है और किसी भी अन्य वाक्य पर यह निर्भर नहीं कर रहा है। वहीं डिपेंडेंट क्लॉज का मतलब होता है ये निर्भर वाक्य, हम कह सकते हैं निर्भर उपवाक्य, मतलब क्योंकि ये अपने जो है अर्थ के लिए किसी दूसरे वाक्य पर निर्भर कर रहेगा। जैसे कि मैंने कहा आफ्टर आई मेट राम, अब आप देखिए मैं राम से मिलने के बाद या राम से मिलने के बाद, अब या इस सेंटेंस देखिए आफ्टर आगे लगा हुआ है, क्या इस सेंटेंस का कोई कंप्लीट मीनिंग है, नहीं है ना। अब अगर मैं इसी को लिख दूं कि आई कुक्ड फूड आफ्टर आई मेट राम, कि राम से मिलने के बाद मैंने खाना पकाया, अब यहाँ देखिए आई कुक्ड फूड एक कंप्लीट सेंटेंस है, कंप्लीट मीनिंग, तो ये इंडिपेंडेंट क्लॉज हो गया। वहीं ये वाला क्लॉज अपने अर्थ के लिए इस पर निर्भर है, तो ये हो जाएगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज। ये जानना बहुत ज़रूरी है इससे पहले कि हम सिंपल सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस को जानें, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं, अपनी सुविधा के अनुसार अकॉर्डिंग टू योर कन्वीनियंस आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे चलते हैं और देखते हैं, सबसे पहले बात करते हैं हम सिंपल सेंटेंस की कि वो क्या होता है। देखिए सिंपल नाम से ही समझ में आ रहा है, सिंपल सेंटेंस का मतलब होता है एक साधारण सा वाक्य, है ना, साधारण सा वाक्य। अब साधारण वाक्य है तो इसमें क्या होगा, एक सब्जेक्ट हो जाएगा आपका, मतलब इसमें ये कह सकते हैं कि वन इंडिपेंडेंट क्लॉज इसमें होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा, मतलब एक छोटा सा एक वाक्य जिसका कोई मतलब निकलने वाला है, ठीक है ना। अब जैसे कि मैंने कहा कि शी टीच्स इंग्लिश, कि वह अंग्रेजी पढ़ाती है, तो ये एक सिंपल सेंटेंस, देखिए सब्जेक्ट है, वर्ब है और एक ऑब्जेक्ट है, सीधा सा मीनिंग निकल रहा है। अपने मीनिंग के लिए किसी भी अन्य सेंटेंस पर यह वाक्य डिपेंड नहीं कर रहा है। या जैसे कि मैंने बोला कि आई प्ले हॉकी, अब यहाँ पर भी देखिए आप आई प्ले हॉकी में आप देखेंगे कि सब्जेक्ट, वर्ब, ऑब्जेक्ट, सिंपल सा वाक्य और सिंपल सा इसका मीनिंग, तो ये हो गया सिंपल सेंटेंस, ठीक है। एक वाक्य में एक जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर है तो वो सेंटेंस जो है कहलाएगा सिंपल सेंटेंस। अगर अंग्रेजी में बात करूँ तो सिंपल सेंटेंस हैज़ एन इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज वहाँ पर होता है, ठीक है। आगे हम चलते हैं सिंपल सेंटेंस के बाद, बात हम जब करने वाले हैं वो है हमारे कंपाउंड सेंटेंस की। देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है कंपाउंड, मतलब किसी चीज़ से मिला हुआ सेंटेंस। कंपाउंड सेंटेंस में क्या होता है, आप देखेंगे कि दो इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकते हैं या दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज से मिलकर होता है ये, है ना। इसमें क्या होते हैं, दो या दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होते हैं जो कि काय से जुड़े होंगे, या तो आपके कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होते हैं, या काय से जुड़े होंगे, सेमीकॉलन से जुड़े होंगे, या तो फिर काय से जुड़े होंगे, कंजंक्टिव एडवर्ब से। बड़े ध्यान से देखिएगा कंजंक्टिव एडवर्ब में क्या जाएगा, यहाँ आपका हाउएवर आ सकता है, देयरफॉर आ सकता है और आ सकता है। वहीं अगर हम कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करें तो इसकी ट्रिक होती है फैन बॉयस, क्या होती है दोस्तों, फैन बॉयस, फैन का मतलब एफ मतलब फॉर, ए से एंड, एन से नॉर, बी से बट, ओ से और, वाई से येट और एस से सो। ये ट्रिक होती है इसकी पहचानने की, अगर इन कंजंक्शन से दो इंडिपेंडेंट क्लॉज जुड़े हैं तो वो कंपाउंड सेंटेंस होंगे। जैसे कि मैंने कहा कि आई मेट राधा बट शी, या आई मेट राधा बट शी इज या सी डज नॉट, या थोड़ा चेंज कर दें, आई मेट राधा बट शी
इज, या इसको ऐसा कर दे, थोड़ा सेंटेंस ही चेंज कर लेते हैं। मैंने कहा आई वेंट टू राम, मैं राम के पास गया, बट ही वॉज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं था। अब यहाँ अगर ध्यान से देखते हैं तो ध्यान से देखिएगा, आई मे वेंट राम या आई वेंट टू राम कह सकता हूँ मैं, आई वेंट टू राम, मैं राम के पास गया, ये पूरा एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है। आप यहाँ देख रहे हैं, अब यहाँ देखिए ही वॉज नॉट एट होम, वह घर पर नहीं था, इसका भी अपने आप में कंप्लीट मीनिंग निकल रहा है, लेकिन ये काय से जुड़ा हुआ है, बट से। तो ये सेंटेंस हमारा क्या कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस। क्या कहलाएगा, कंपाउंड सेंटेंस, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़ रहा है। समझा गया ना बात। तो अगर किसी सेंटेंस को आइडेंटिफाई करना है कि कौन सा सेंटेंस है, तो कैसे पहचानेंगे, या तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन फैन बॉयज इनसे जुड़ा हुआ होगा वो, या तो उसमें सेमी कॉलन लगा होगा, ऐसे करके सेमी कॉलन हो सकता है, कॉलन हो सकता है, या कॉमा हो सकता है, ठीक है। कंजंक्टिव एडवर्ब्स हाउएवर देयरफॉर और से भी जुड़ा हुआ हो सकता है। एक और एग्जांपल के माध्यम से समझते हैं इसको। जैसे कि मैंने कहा आई लाइक टी, मैं चाय पसंद करता हूं, बट मोहित लाइक्स कॉफी, लेकिन मोहित को कॉफी पसंद है। अब यहां ध्यान दीजिए, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज, दूसरा इंडिपेंडेंट क्लॉज काय से जुड़ा हुआ है, बट से। तो ये सेंटेंस अगर कोई पूछे कि आइडेंटिफाई द सेंटेंस, तो आप बोलेंगे ये क्या है, ये वाला जो पार्ट है, अगर यहां से हम लेके चले तो क्या बोलेंगे आप, कंपाउंड सेंटेंस बना रहा है, क्योंकि कोऑर्डिनेटिंग क्लॉज से जुड़ा हुआ है। अब इसमें कॉमा लगाने के नियम देखिएगा, अगर एक जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज है ना, प्लस क्या है, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन है, कोऑर्डिनेटिंग शॉर्ट में लिख रहा हूँ, कंजंक्शन से जुड़ा हुआ है, और प्लस फिर एक इंडिपेंडेंट क्लॉज अगर आ रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर आपको कॉमा लगाना पड़ेगा। ये रूल है जो बड़े बड़े लोग सूरमा जो है इसको नहीं समझ पाते हैं, आप इसको समझिएगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि शी इज हैप्पी एंड शी वॉन्ट्स टू मीट मी, मैंने कहा वह खुश है और मुझसे वह मिलना चाहती है। तो एक सेंटेंस ही इज हैप्पी, इंडिपेंडेंट क्लॉज, शी वॉन्ट्स टू मीट मी, इंडिपेंडेंट क्लॉज, काय से जुड़ी है, एंड से, लेकिन यहाँ पर मैंने उस रूल को फॉलो करने के लिए क्या लगाया है, कॉमा। मतलब पंक्चुएशन को भी दोस्तों देख रहे हैं कि सही तरीके से पंक्चुएशन आपको कैसे करना यहाँ पर है, ठीक है। आगे हम चलते हैं, आगे चल के अगर हम बात करें तो देखिए आप आगे चलते हैं, इसी को बात करते हैं दूसरे रूल की। इसमें अब हम बात करते हैं सेमी कॉलन कैसे लगाते हैं। अब देखिए सेमी कॉलन में क्या होगा, यहाँ पर आपका एक जैसे कि इंडिपेंडेंट क्लॉज है, एक आपका इंडिपेंडेंट क्लॉज आ गया, प्लस आपने लगा दिया सेमी कॉलन, और यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आपको क्या लिखेगा, कंजंक्टिव एडवर्ब मिलेंगे, और यहाँ पर क्या रहेगा, फिर कोई क्या रहेगा आपका जो है एक इंडिपेंडेंट क्लॉज रहेगा, ठीक है। जैसे कि मैंने कहा कि आई मेट हर, मैं उससे मिला, यहाँ सेमी कॉलन लगा दें, हाउ एवर शी डजंट लाइक मी, हालांकि वो मुझे पसंद नहीं करती है, तो यहाँ पर क्या लगाया अपन ने, सेमी कॉलन लगाया। तो ये बहुत मज़ेदार चीज़ मैं आपको डिस्कस कर रहा हूँ, थोड़ा सा आपको अलग लगेगा, अजीब लगेगा, क्योंकि नई चीज़ सीखने को मिल रही है, बट बहुत काम की है ये, ठीक है। क्योंकि अक्सर देखता हूँ कॉमा कहाँ लगाना है, सेमी कॉलन कहाँ लगाना है, किसी को समझ में यहाँ पर नहीं आता है, ठीक है। आगे चलते हैं, आगे चलते हैं। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर ली कॉमा की, बात कर ली हमने सेमी कॉलन की, बात कर ली, ठीक है। अब हम देखते हैं अगले सेंटेंस की तरफ, हम बढ़ते हैं, देखते हैं अगला जो सेंटेंस है हमारा, वो है हमारा कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की दोस्तों हम बात कर रहे हैं, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में क्या होता है, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होगा, इंडिपेंडेंट क्लॉज जो होगा वो जुड़ा होगा आपका डिपेंडेंट क्लॉज से, है ना। मतलब इसमें इट मे हैव इंडिपेंडेंट क्लॉज ज्वाइंट विथ डिपेंडेंट क्लॉजेस, ठीक है ना। एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होगा जो कि डिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ा होगा, या डिपेंडेंट क्लॉज होगा जो कि इंडिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ा होगा, ठीक है। और यहां पर ये जुड़े होते हैं आपके काय से, सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, ठीक है। तो अगर इनकी पहचान करना है कि भाई एक अगर कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है तो क्या देखेंगे आप, एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है जो कि डिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ा होगा, या डिपेंडेंट क्लॉज जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज से जुड़ा होगा, ठीक है, बीच में कॉमा लगा होगा, और यहां पर होंगे सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन, जैसे कि एज, एज इफ, एज लॉन्ग एज, अनलेस हो जाएगा यहां पर आपका, वाइल हो जाएगा आपका यहां पर, वेन हो जाएगा आपका यहां पर, वेन एवर यहां पर आपका आ जाएगा, वेयर आ जाएगा, वेयर एवर आ जाएगा, आफ्टर आ जाएगा यहां पर आपका, यहां पर आपका बिफोर भी हो सकता है,
ठीक है। और यहाँ पर आपके और भी कई सारे जो है इफ वगैरह जो है कई सारे सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस हो सकते हैं। कुल मिला के कहने का मतलब ये कि एक होगा आपका डिपेंडेंट और एक होगा इंडिपेंडेंट क्लॉज। अब देखो एग्जांपल के माध्यम से और समझते हैं। अब यहाँ पर जो ये सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन की बात करें, ये डिपेंडेंट क्लॉज के पहले मतलब बिफोर डिपेंडेंट क्लॉज मतलब सेंटेंस की बिगिनिंग में भी हो सकते हैं और डिपेंडेंट क्लॉज की बिगिनिंग में भी हो सकते हैं। जैसे कि मैंने कहा शी टॉक्स, वो बात करती है एज इफ शी वर अ क्वीन, बोलते ना बात तो ऐसी करती है जैसे कहीं की रानी हो। तो अब यहाँ पर क्या लगा, एज इफ लगा हुआ है इस कंपाउंड इस जो है डिपेंडेंट क्लॉज के पहले। अब देखो शी टॉक्स, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज है, ये एक इंडिपेंडेंट क्लॉज और ये क्लॉज जो है इसमें क्या लगा हुआ है आपका सबॉर्डिनेटिव कंजंक्शंस, और शी वर अ क्वीन, वह जैसे रानी हो, क्यों हो कुछ नहीं पता, इस पर डिपेंड करता है। तो ये है आपका डिपेंडेंट क्लॉज, क्या है आपका ये डिपेंडेंट क्लॉज है जिसके पहले क्या लगा है सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन। इसका मतलब ये सेंटेंस कौन सा है आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो इन कंजंक्शन सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शंस के माध्यम से आप पहचान सकते हैं कि कौन सा सेंटेंस कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है और कौन सा कोऑर्डिनेटिंग है और कौन सा सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस में हमने देखा कि एक इंडिपेंडेंट क्लॉज होता है, और कंपाउंड सेंटेंस हमने देखा कि एक जो है इंडिपेंडेंट क्लॉज, एक से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज होंगे जो कि फैनबॉयस यानी कि कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन से जुड़े होंगे या कंजंक्टिव एडवर्ब से जुड़े होंगे या सेमीकॉलन से जुड़े होंगे। वहीं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस में अपन ने देखा कि एक डिपेंडेंट क्लॉज और एक इंडिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लॉज हो सकता है, दो से अधिक इंडिपेंडेंट क्लॉज भी हो सकते हैं जो कि डिपेंडेंट मतलब डिपेंडेंट क्लॉज इसमें हो सकते हैं बहुत सारे, ठीक है। और ये जुड़े होते हैं सबॉर्डिनेटिंग कंजंक्शन से, जिसमें मैंने बताया एज, एज इफ, एज सून एज, as long as, while, after, before, where, wherever, when, whenever, as if, unless, if, ये सभी शामिल होते हैं। जैसे कि अगर हम मैं कहूं कि जो है हमारा सबॉर्डिनेटिंग जो कंजंक्शन है आगे भी लग सकता है, जैसे कि मैंने कहा if you work hard, अगर आप कठिन परिश्रम करते हो you will get success, तो आपको सफलता यहां पर मिलने वाली है। अब आप इस सेंटेंस को देखिए, क्योंकि इसमें क्या लगा हुआ है आपके जो है डिपेंडेंट क्लॉज के शुरू में ही क्या लगा हुआ है इफ लगा है। आप आंख बंद करके बोल दोगे कि सर ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है, और इसी प्रकार के आइडेंटिफिकेशन के क्वेश्चन अक्सर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में इवन नेट एग्जाम्स में भी पूछे जाते हैं। आई होप आज की वीडियो में जो मैंने सिंपल कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स सेंटेंस की डेफिनेशन के साथ एग्जाम्पल बताए हैं और पहचानने के तरीके बताए हैं वो आपको समझ में आए होंगे। समझ में आए हैं तो वीडियो को लाइक जरूर करें और मेरा उत्साहवर्धन करें। फिर मुलाकात होगी अगले वीडियो में। जय हिंद।